हाय गाइस, आज मैं केन कारजू सलोरी इलाहाबाद में हूँ। और आज मेरा कल ही मेरा जो है शनिवार को ही जो है गैस गैस ख़त्म हो गया। तो आज मैं जा रहा हूँ सलोरी इलाहाबाद में जो है मेस का खाना खाने, और मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा कि मेस का इलाहाबाद में क्या सिस्टम है और कैसे मिलता है। जैसा कि आज संडे है और संडे स्पेशल रहता है, तो मैं सुबह तो दो 50 रुपये में दो मॉडल की सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल मिला था। और शाम को स्पेशल है, तो मैं देखता हूँ कि शाम को क्या क्या खाना खिलाते हैं। और खाने का बहुत बढ़िया रेट है यहाँ पे, और 5 रोटी दे रहे हैं, दाल चावल, मतलब सब सही है। अभी मैं आपको खाना दिखाता हूँ, सुबह का भी खाना इंक्लूड कर दूँगा और शाम को भी खाना इंक्लूड कर दूँगा, दोनों का आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। और रूम के अतिरिक्त आप ऐसे ही बाहर खा सकते हैं, मेस का ऐसे ही सुविधा उपलब्ध है इलाहाबाद में। और अगर आप मेस को जो है खाना जो है अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, तो उसका प्राइस जो है वो 3000 रुपया है। 3000 में दोनों टाइम आपको दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ मिल जाएगा, खाना जो आपके रूम तक ला के छोड़ेंगे। तो मुझे तो लगता है कि दाम बहुत ज़्यादा नहीं है 3000 रुपया, अगर 50 रुपये की थाली के हिसाब से देखा जाए तो, और खाना भी ठीक ठाक ही है। अगर आप मेस में खाना खाने जाते हैं तो जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रूम पे मंगाएंगे, टिफ़िन मंगाएंगे, तो उसमें आपको पर्याप्त ही खाना रहेगा। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि उस जितना भी रहेगा पर्याप्त रहेगा, आपका पेट उसमें भर जाएगा आराम से। ऐसे ही सुविधा इलाहाबाद के हर मोहल्लों में है, जहाँ जहाँ भी आप छोटा बघाड़ा या तिलियरगंज बघाड़ा कहीं भी रहेंगे, तो कहीं सब जगह ये फैकल्टियाँ उपलब्ध हैं। कल शनिवार को मैं खाना बना रहा था, अचानक मेरा गैस ख़त्म हो गया, खाना कुछ ही बन पाया था, केवल सब्ज़ी बन पाई थी, रोटी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो यही है एक इलाहाबादी स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल की, पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। और गाँव आ घर वालों को लगता है कि इलाहाबाद में लौटा अय्याशी कर रहा। इलाहाबाद का हब कहा जाने वाला सलोरी प्रयागराज, जैसा कि आज संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में जो है पूड़ी सब्जी, इसके बाद जो है दो पनीर की, और इसके बाद आलू दम आलू की सब्जी और खीर, ये स्पेशल वाला है सलोरी में, देख सकते हैं आप। ये आपने देखा कि खाने में यही सिस्टम है, और रोज़ जो है बदल बदल के खाना मिलता है, और जितना बार चाहे जितना बार आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है सही है, और 50 रुपये में और क्या लोगे, किसी की जान तोड़े लोगे, तो सही था। और मैं तो यही मतलब सलाह दूंगा कि आप खुद से बनाएं, खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर का खाने से कोई मतलब नहीं है और पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा, और खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसा कि मैं खुद बनाता हूँ, और मैं बहुत ही कभी कभार ही खाता होता हूँ बाहर का, और क्योंकि बाहर का खाने से कोई मतलब दिखाई नहीं देता, पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसके बाद अपने हाथ से बनाओ, खुद बनाओ, जैसा बनाओ, जो मन कहे वो बनाओ। और यहाँ आओगे तो आपको उन्हीं के मन से खाना पड़ेगा, कि वो जो मेस में बना रहेगा वही खाना पड़ेगा आपको। तो दोनों जगह ठीक है मुझे लगा। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।